ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਡੋਲੀ ਤੋੜਨ ਵੇਲੇ ਲਾੜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਈ ਖੇਮੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਡੋਲੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ मैरिज पैलेस दे विच मौजूद किसी दे वल्लों गोली चला दी जाती है जो कि लाड़ी दे मत्थे च वजदी है जिस तों बाद वो गंभीर जख्मी हो जाती है तो उसनों हस्पताल दे विच भर्ती करवाया जाता है जिथे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर पुलिस दे नाल जदों गलबात की गई तो पुलिस का कहना है कि डोली तोड़न वेले यह गोली चलाई गई है जो कि लाड़ी दे मत्थे ते लगी है तो वह गंभीर जख्मी है अते हस्पताल दे विच वह जेरे इलाज है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने वालों लगातार मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किस दे वालों इस वारदात को अंजाम दिता गया। तो उधर जदों ये पूरी घटना होती है तो मैरिज पैलेस के मौजूद लोगों के हलचल मच जाती है तो हर एक कोई हैरान रह जाता कि आखिर यह किस दे वालों किया गया। तो ये तस्वीर थोड़ा साझा की जा रही ने हस्पताल के लाड़ी मौजूद है तो यह पूरी घटना जी फिरोजपुर के वापरी है। नहीं ਵਿਆਹ हो चुका ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੀ अच्छा लड़का इधर ही है जी ते कोई पता लगा जी कौन गोली मार गया की कारण की पता की गोली लगी कि थी कुछ पता लगा जी की नाम है सर सत अनिल बागे हॉस्पिटल एक लड़की आई है जिंदा नाम बलजिंदर कौर है 25 साल दी हैगी है। ए कुड़ी लड़की दा व्याह सी घर दे कहन मुताबिक कि डोली तुरन लगी सी ते किते गोली चली है जिहड़ी इन्हां दे मत्थे ते लगी है। हाँ जी सर हुण हालत इन्हां दी क्रिटिकल आ बाकी इलाज चल रहा है। सर होर कोई जानकारी परिवार वालों दी नहीं हजे तक होर कोई जानकारी नहीं परिवार वालों दी गई। सिटी स्कैन हो चुकी है जिवें रिपोर्ट आती है उस एक्सप्लेन कर देंगे। सिर ते गोली हैगी जी। हाँ जी एक दे ही गोली का निशान हैगा है। फिरोजपुर विखे खाई पिंड एक मैरिज पैलेस है इतने बलजिंदर कौर नाम की लड़की का विआह सीगा हसन ढोड पिंड की रहने वाली पिता का नाम बाज सिंह है। जदों डोली चलन लगी तो उत्थे शामिल लोगों वालों किसी वालों फायर किया गया जो लड़की दे सीधा मत्थे दे विच लग्या विआह वाली लड़की दे जिहड़ी हुण हस्पिटल दाखिल है। हालत इहदी नाजुक है बाकी जिहड़ी बरात आई सी सरहाली कलां पिंड जो कि तरन तारण विखे है उत्थों आई सी। सर पता लगा जी कि गोली किस तरीके दे नाल उत्थे चली हैगी? जस्ट हुण हॉस्पिटल पहुंचे इस तों बाद मौके ते जाणे उत्थों आइडेंटीफाई करांगे सारिआं तों पुछ पड़ताल करके कि किहदे वालों गोली चलाई गई।